तो जयपुर में पिछले 24 दिनों से आंदोलन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भीषण गर्मी में अनूठा प्रदर्शन किया। कोविड स्वास्थ्य सहायक हजारों की तादाद में शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए, तपती धूप में 2 घंटे खड़े रहकर सरकार का ध्यान आकर्षण किया। हालांकि इस बीच 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इस मौके पर आंदोलन का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। राजधानी जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का लगातार 24 दिन से धरना जारी है। इस धरने के तहत आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भीषण गर्मी, 42 डिग्री से ऊपर तापमान है और इसमें धूप में खड़े होकर 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन जो है कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल करके मरीजों की जानें बचाई थी और ये सब लोग अपनी नौकरी वापस लेने को, सम्मानजनक नौकरी, क्योंकि 31 तारीख को उनकी नौकरी चली गई थी, उनकी नौकरी सम्मानजनक वापस लेने को लेकर के ये सभी लोग जो है आंदोलन की राह पर है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जाए 24 दिन हो गए पूरे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़ से। धूप में खड़े होकर के? जी बिल्कुल, 2 घंटे तक हम यहीं पे खड़े रहेंगे। कारण क्या? हमको जब तक गहलोत सरकार नहीं मानती है तब तक हम हर आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्या उम्मीद लग रही है सरकार से? सरकार से अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं, हमें कहीं से कहीं तक कोई अभी तक कुछ पता पता नहीं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? जयपुर से ही है। क्या डिमांड है, कैसे लग रहा है? डिमांड पूरी जाएगी आप लोगों की? जरूर होगी, सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी क्योंकि हम हमारी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं और कल का उन्होंने टाइम दिया है और कल तक का वेट आगे कंटिन्यू ऐसे रहने वाला है। उम्मीद पूरी है, डिमांड पूरी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मांग जरूर पूरी। साथ में और भी लोग मौजूद है, क्या नाम? गहलोत सरकार, होश में आओ। कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने हमारी जान को जोखिम में डालकर कार्य किया है। बाड़मेर जिले से हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं गर्मियों के अंदर। चावला मौजूद है रवि जी, 2 घंटे का प्रदर्शन है, क्या प्रदर्शन है इस तरह का? 2 घंटे तक हम इसी धूप के अंदर बिना जल ग्रहण किए अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। अगर जल्दी सरकार हमारी मांगों को ध्यान में नहीं ले आती तो ऐसे पूरा दिन हम खड़े होकर धूप के अंदर अपना रोष व्यक्त करेंगे और इस आंदोलन की रूपरेखा को बदलने का काम करेंगे। देखिए ये कोविड स्वास्थ्य सहायकों का पूरा जोश आप देख सकते हैं, कितना जोश है। और साथ में इन लोगों का कहना यही है कि सरकार हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं करती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। पूरे दिन भर कोविड स्वास्थ्य सहायक इसी तरह भीषण गर्मी के अंदर खड़े होकर के प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद यही है कि इन पूरे आंदोलन की राह को रास्ता निकाला जाएगा और इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फैशन न्यूज, जयपुर।